पवित्र तीर्थ नगरी के वार्ड क्रमांक 9 में निवासरत 20 वर्षीय युवक की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय प्रशासन में मचा हड़कंप। ओंकारेश्वर में फैली सनसनी, बारह परिवार के 32 लोगों को किया होम क्वारंटाइन। वहीं खंडेलवाल रेस्टोरेंट जेपी चौक पर काम करने वाला युवक परिवार सहित कोरोना पॉजिटिव युवक के पड़ोस में निवासरत होने के बाद उसे भी प्रशासन ने घर में रहने की हिदायत दी, लेकिन उसके बाद भी वह व्यक्ति होटल पलाश में घूमता हुआ पाया गया। कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आने वाले बंटी को होटल पलाश में घूमते देखा हमारे संवाददाता ने। जब उसे कैमरे में कैद किया तो मालिक ने उससे बाइक की चाबी लेकर उसे घर जाने के लिए कहा। ओंकारेश्वर पवित्र तीर्थ नगरी में पहला केस मिलने के बाद जहां एक और सनसनी फैली है। निर्देशानुसार जो भी कोरोना पाया यूट्यूब पाया जाता है उस मोहल्ले के जो मोहल्ले में मकान के अड़ोसी पड़ोसी जो भी है उस मकान को प्रोसीज किया जाता है। उसमें जो भी निवासरत परिवार है उनको भी वहाँ पर होम क्वारंटाइन किया जाता है। होम क्वारंटाइन 14 दिन के लिए किया जाता है, उसके 14 दिन के बाद में उसके टेस्ट किया जाता है, 22 दिन बाद में उनको रिलीज किया जाता है। होटल प्लास के जो बता रहे कि वहाँ पे काम करता था तो जो उसको करो होम क्वारंटाइन, जो व्यक्ति वहाँ पे काम करता था उसको इसी जगह पे लाके उसको क्वारंटाइन कर। होटल पे भी कार्रवाई होगी सर क्या? होटल के आप होटल पे तो वो नहीं रहता था संबंधित व्यक्ति। ओंकारेश्वर में कितने